एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। फिर से उज्जैन से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। फ्रेश हो चुका हूँ, नहा चुका हूँ, सब कुछ काम खत्म। और यहाँ पे ना पबजी के दीवाने हैं, देखो सुबह सुबह पबजी के दीवाने लग पड़े हैं पबजी के लिए। अभी क्या कौन सा डिनर करेंगे पता नहीं। बाकी बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो के रहा है और अभी फिलहाल मैं निकलने वाला हूँ क्योंकि मैं थक चुका था और रात को ज़बरदस्त नींद आया। अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन क्या करे, हमें तो निकलना पड़ेगा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो इसलिए निकलेंगे अभी। आगे चलते, आज तो उज्जैन में ही ये वीडियो बनने वाला है, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग सब होता है। बाय द वे आज ही घर पहुँचना है, ओके, रात को। बाय द वे मंदिर के अंदर का तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है और वहाँ पे मोबाइल या तो कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं। और घर देखो पूरा बिखरा होके पड़ा है, रूम पूरा बिखरा होके पड़ा है। बस अभी थोड़ा देर में निकलने वाले। देखो पबजी आ रही आवाज़। राजू भाई कैसा नींद हुआ? बढ़िया नींद हुआ, ठीक है। बस अभी मिलेश भाई भी नहा धो के आ गए, उनका इंतजार है। उनके बिना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे साथी है। उनसे जाने का तैयारी हो गया और रूम में मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ बाथरूम में कुछ चीज छूटा ना। ओके, कुछ भी नहीं छूटा, अभी बस निकल ही रहे, निकल गए रूम से बाहर आ गए। क्या क्लाइमेट है। रात को यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उज्जैन की गली से आपको रिपोर्टिंग करते हुए अभी जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। राजस्थान कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। बस यही दिन अभी पूरा करने बाकी है, वही कर रहे हैं भाई। क्या इधर मौसम हो के रहा है, वाह, ये कांवड़िया लोग सब आए हुए हैं, सब सेल्फी ले रहे हैं, कोई क्या कुछ ना कुछ चालू है। और हमारी मंडली अभी तैयार है, देखो हमारी मंडली एकदम फ्रेश होके तैयार। और नीलेश भाई, राजू भाई तो आज पूरा मतलब आज जोश नहीं है, ख़त्म हो गया है आज जोश नहीं, ख़त्म हो गया है। आगे ना अरे क्या मंदिर है यार, सब क्या मंदिर है। रोड में ना दुकाने सब लगाई गई है। यहाँ के ऑटोज देखो यार, डिफरेंट। इसका आगे का हिस्सा ऊंचा। यहाँ का जो वाइब्स है ना वो बता नहीं सकता हूँ, क्या वाइब्स है, पूरा चारों तरफ मंदिर। यार महाकाल की रुद्राभिषेक हो रही है, अभी त्रिपुण विपुण लगा चुका हूँ और भीड़ चारों तरफ, क्या भीड़ हो रही है। और नीलेश भाई अभी सेल्फी खींचने हैं पूरा, सब लोग अभी सेल्फी खींचेंगे अभी। और मोस्ट ऑफली अभी भूख भी लग चुकी है, अभी देखते हैं ये गली में जाना है। देखो यहाँ से महाकाल की सारी के सारी लोग यात्रा करते करते मतलब जा रहे हैं अंदर की तरफ और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। राजू भाई का लुक ही नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक चीज त्याग कर दी है आज से, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। बाकी बीरोल के साथ कुछ करता हूँ। अभी फिलहाल राजू भाई हो गए गुम और हम अभी उनके इंतजार में हैं, रुके हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा एडवेंचर हो रहा है और ये तिलक कैसा लग रहा है, पूरा महाकाल का पूरा स्वरूप बना दिया है, मतलब सबको ही बना दिया जाता है। बाल खराब हो रहा है यार, मौसम देख रही यार, ज़बरदस्त लग रहा है। अभी जाना है मतलब भैरव जी के मंदिर में, काल भैरव। जैसे दिन बढ़ता बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ का ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, रेड ही रेड हो गया है पूरा मार्केट, पूरा रेड रेड हो गया है।
इतना ज़्यादा भीड़ है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को कि मतलब पूरा पीछे का व्यू देखो मतलब इतना भीड़ पूरा हालत ख़राब हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। बस अभी कपड़ा बदल चुका हूँ और गला पूरा मेरा बैठ चुका है और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा। इतना ज़्यादा घुमा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा थकान नहीं होता ना, आज हो रहा है लेकिन तो भी ठीक है, जैसा भी है बाकी सब बढ़िया है। आधे एक घंटे में हम लोग गुजरात टच करने वाले हैं, एमपी छोड़ने वाले हैं, एमपी को बाय बाय करेंगे, हम लोग एमपी को बाय बाय कहने वाले हैं। फुल एंजॉय चालू है, फुल एंजॉय चालू है। और नीलेश भाई भी एकदम रगड़ रगड़ के गाड़ी चला रहा है, एकदम फुल मूड में गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं चलाने वाला तो क्या करेगा। लाल अभी उतरने का टाइम आ गया है, मैं चलते गाड़ी से उतर गया। ओके, यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम यहाँ का, ऐसा लगता है यहाँ से जाना नहीं चाहिए कोई, यहाँ पे रुकना चाहिए, दो चार मिनट रुकना चाहिए, दो चार घंटे, बहुत बढ़िया मौसम। आज तो मजा नहीं लाइफ छे, मजा लेवानी छे, बराबर इसको बोलते गुजराती में मजा नहीं बराबर। गाड़ी में अभी बैठते निकलते, और बहुत टाइम हो गया है, रात हो जाएगी घर पहुंचते। चलो हमारी सवारी में हम बैठेंगे। नीलेश भाई का बैंड बज चुका है, पूरा बैंड बज चुका है, फुल बैंड बज चुका है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो लोग हालत में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया है। अभी निकलते हैं और थोड़ा रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। मैं ना बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, महाराष्ट्र और एमपी में शुरू हुआ, देखो अभी दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, पता चल रहा है। ये बायोडीजल है, इसमें 3 रुपया कम में मिलता है डीजल से 3 रुपया सस्ता 1 लीटर में, तो ये कुछ अच्छा चीज़ है। यहाँ का व्यू देखो यार, क्या सुंदर लग रहा है यार, ऐसे मन हो रहा है ना यहीं पे ही ठहर जाऊं। क्या बोलते हैं राजा भाई, रुकना चाहिए इधर, मौसम बहुत बढ़िया है। और देख रहे हो भाई, महाकाल पूरा छाप लिया है बंदे ने, छाती में चिपका दिया है, बराबर। अभी थोड़ा ना बीरोल सुन, मैं आकर के ना एक काका को मिल चुका हूँ, काका पूछे मुझे क्या बना रहे हो, मैं बोला वीडियो बना रहा हूँ, तो काका भी थोड़ा ले लेते याद रखने के लिए, यादगार के तौर से, ठीक है। मस्त यार, एमपी के लोग है ना मुझे बहुत पसंद आए, मैं सुबह से उन लोगों के साथ घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उज्जैन में भी मिला था, उसका वहाँ का एक्सपीरियंस बोला नहीं, अगर किसी एक को पता पूछेंगे ना 10 आके पहुँच जाएंगे, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, ऐसे मज़ा आता है, मजा आता है यार। देखो अभी नीलेश भाई साइकिल चलाने में लग गया, गांव आ गए ना, गांव का एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, करना है तो करना है, आगे तुम चले चलो ना काका, वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये होता है जिंदगी, हम कहीं पे भी रहे कुछ भी रहे लेकिन जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, हम इंडियन है ना, इंडिया जुड़ जाता है दिल से, कुछ ना कुछ तो जुड़ जाता है, क्या बोलते हो काका, दिल से जुड़ जाते हैं, भारत के लोग तो दिल से जुड़ जाते हैं, बराबर ना। आपका गांव कौन सा है, ये सामने एरिया का नाम क्या है, ये एरिया का नाम अपने बड़वेट, बड़वेट पंचायती है, मतलब तो मौड़ी पाड़ा, मौड़ी पाड़ा, मौड़ी पाड़ा, ओके ओके, झाबा लागे, ओहो हो, देखो और एक जन को देखो,
वो देखो पूरा गांव के इंसान बन गए। मजा आया काका का मिलके। थैंक यू थैंक यू। अभी देखो राजू भाई उनके 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 काम में लगे। पानी का बोतल चाहिए। मन होता है ना यहाँ पे ही बैठ जाऊँ, यहाँ पे मेरा सारा चीजें यहाँ पे रोक, लेकिन क्या करूँ, जिंदगी का मकसद है काम करना, वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, अभी नहीं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी होगा ना टाइम, मैं जरूर और ज़रूर, मैं मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं 100 to 200% मैं ऐसी जगह में बैठने वाला हूँ आगे चलते हुए, जब मैं फ्री हो जाऊँगा ना तब। ओके, बाकी तो बहुत सारी कहानी है बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हैं दिखाने भी वाला हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी है कुछ करना, और वो करेंगे जरूर, और आज नहीं तो कल। कल जहाँ पे खा के गए थे मतलब MP के लिए, वहीं पे फिर से और एक बार आकर खा रहे, क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो बहुत ज़ोरदार था, तो इसलिए किसी को ट्राई नहीं करे, इसको ही खा के यहाँ पे ही खा के जा रहे। बाकी अभी खाने का टाइम है, कल जो ऑर्डर दिया था सेम ऑर्डर दिया है, सब कुछ सेम। और नीलेश भाई अभी पूरा तैयार हो गए, और इन लोगों की हालत देखो यार, सो के ये सो करके नहीं, ये बंदा है ना कुछ अलग चाहिए। माँ कहीं पे भी आके ना गाउटी शुरू कर देता है बंदा, कुछ समझ नहीं आता है। देखो क्या शर्म भाई खाने में, अरे खाने में कोई शर्म नहीं, लेकिन पनीर छोड़ के कौन से सेव भाजी खाता है, कमेंट में बताना आप लोग। अभी घर से समझ लीजिए 100 किलोमीटर के आजूबाजू दूरी में है हम लोग, और अभी बज रहा है 11:14, बस अभी थोड़ा रुके हैं होटल सर्वोत्तम में, पानी वानी पीना है, तो मुझे भी नींद थोड़ा आ रहा है, नीलेश भाई भी थोड़ा फ्रेश होने गए, और फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही नींद आ गया है। ओके ना, तो नींद घर पे ही जाके पूरा होगा, और 1-2 घंटे का सफ़र है। बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी पे गर्मी हो रहा है, बस अभी देखते हैं क्या होता है। और सब लोग तो अभी पूरा सोए हुए हो, कोई अभी होश में नहीं है, पूरा सोए हुए। नीलेश भाई और मैं थोड़ा सा ही जाग रहे हैं, बस चालू है, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब अभी घर पे आ करके नहा धो करके पूरा फ्रेश हो करके अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, अभी बहुत रात हो चुकी है यार, बहुत, और बहुत ज़्यादा थकान। ठीक है, सोता हूँ आज के लिए, डोंट वरी मेक मी रिपीटेड, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ यार, बहुत ज़्यादा समझा।